बात इंडिया गठबंधन की करते हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज एनसीपी नेता शरद पवार के आवास पर होने वाली है। इसमें सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले पुरजोर तैयारी में जुटा है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शरद पवार के आवास पर होगी। माना जा रहा है इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 अक्टूबर से विधिवत जनसभाओं का दौर शुरू होगा, जिसकी तैयारी के लिए कल की मीटिंग होगी। सब लोग अपने अपने संगठन के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। गौरतलब है इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी सहित कई कमेटी का गठन हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी में इंडिया गठबंधन घटक दलों के 14 सदस्य शामिल हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, वहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसती नजर आ रही है। देश की संस्कृति को समाप्त करने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होने वाला है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कितनी बात बनेगी ये तो बैठक के बाद साफ होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और अब बात विपक्षी गठबंधन में पीएम पद के चेहरे को लेकर हो रही सिर्फ फुटबॉल की। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इस कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने इस बैठक से दूरी बना ली है। तो दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होने वाले कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से पहले इंडिया गठबंधन को सहयोगी जेडीयू ने बड़ा झटका दिया है। देश का बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। सोमवार को ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर इंडिया के नेताओं को चिंता में डाल दिया था। और अब मीटिंग से ठीक पहले जेडीयू ने साफ कर दिया है कि ललन सिंह बीमार होने की वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हूं, लेकिन उनकी जगह पर संजय झा जा सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि नीतीश की पार्टी अपने नेता के नाम पर पीएम पद के लिए उछाल कर गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा इसे लेकर विपक्षी नेता मौन है। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर आवाज उठी हो। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी के लिए, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज बुलंद की है, तो अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे का नाम भी उनके पार्टी के नेताओं ने उछाला था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।